गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज द पार्ट वन अकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का नादी गौतम इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। तो कैसे हैं भाई सब लोग? सब लोग बढ़िया हैं? बच्चे लोग कम वेटिंग दिख रहे हैं, जल्दी से ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करो। हो गया 3-5 एक्चुअली का है ना बेटा, मुझसे पहले जो कर रहे थे वो अभी चल रहा था। हितेश सर एनालिसिस ले रहे थे, जैसे ही उनका कंप्लीट हुआ वैसे ही मैंने अपना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो कम मत हो, आप लोग ज़्यादा करो इसको शेयर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैंने जो आज क्वेश्चन शामिल किए हैं, कल की लास्ट जो शिफ्ट थी उसके 1-2 क्वेश्चन, 2-4-5 क्वेश्चन होंगे, और बाकी आज वाली जो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जितने मेरे पे मिल पाए उतने हैं। कुछ मैंने लिखा हुआ है उससे करूँगा, कुछ इसमें है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो बच्चे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नाइस। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये कल का है। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये कल का, ये कल मैंने कराया भी था क्लास में, कल दिन में भी कराया था, परसों भी कराया था मैंने, कि विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट। तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट कहां पर है? यूपी में 80 सीटें। कितनी है? 80 सीटें। अब देखो ये बच्चों के भेजे हुए क्वेश्चन ही होते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें नहीं आए, हो सकता है किसी अदर जगह पर आए हों, क्योंकि एक दिन में कई पेपर बनते हैं, जोन वाइज भी हो जाता है ना अलग अलग। हाँ जी, तो क्या है, यूपी में सबसे ज्यादा आज जो आया है, आज पूछा गया है राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है। अब राजस्थान क्यों पूछ लिया गया है, कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है, उसका रीजन क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो भाई राजस्थान में जो एमपी की सीट है वो कितनी है, वो है 25। राजस्थान में कितनी है? 25 सीटें बेटा। किसकी? एमपी की जो सीट है। कल का पेपर, हाँ ये वाला जो कल का है 80 वाला है ना, ये कल वाला है, कल वाला भी और आज वाला भी मैंने दोनों ही किया है। ठीक है, आज राजस्थान वाला मैंने ये लिख दिया, तो दोनों ही है इसमें, दोनों कराऊंगा मैं जो मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर लिखा हुआ है तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था, 2 जून 2014 को। ये भी कल का क्वेश्चन है, ये उस टाइम पर हमारा 29वां राज्य था, वो बात अलग है कि ये घट गया अभी है ना। किससे सेपरेट किया गया था, अलग किया गया था, ये किससे, तो अलग जो किया गया था उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। दोनों की भाषा तेलुगु है, दोनों की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, तेलुगु है। फिर है हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG, क्या पूछा गया, NSG मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है भाई, नाम है अनूप कुमार। क्या नाम है? हाँ अनूप कुमार, हाँ अनूप कुमार, बिल्कुल। आई एम फ्रॉम यूपी, ओके आप यूपी से हैं, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट है, ये भी कल वाला ही क्वेश्चन है, कल आया था एग्जाम में। ये आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू व्हाट, मैंने पूरे फंडामेंटल राइट और वो सब कुछ कराया, 5 बजे क्लास मेरी आती थी, यूट्यूब पर सारी क्लासेज है उसकी, पूरा पॉलिटी कराया हुआ है। तो अनुच्छेद 15 जो है संविधान का, वो किससे रिलेटेड है, तो कहता है भाई धर्म, जाति या लिंग, मतलब मेल फीमेल, या जन्म के स्थान के आधार पर नागरिकों को राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है किसके अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। राज्यपाल पद की अवधि कितनी होती है, एक बार में 5 साल, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब ये देखना आप लोग, आपके ऑप्शन में क्या था, ये कल वाला ही क्वेश्चन है ये भी, अगर उसने दे रखा है तो आपको ठीक दूसरा पॉइंट करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। किसकी इच्छा अनुसार? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। कहने का मतलब यह है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया और ऑप्शन में ये दे रखा है कि किसकी इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, तो ये आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है और 5 वर्ष दे रखा है तो 5 वर्ष आएगा। मतलब ये हुआ कि 5 ईयर भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो आप इसको प्रिफरेंस देंगे। अब आप ये देखना क्या था, ठीक है बेटा, मेरे पढ़ाए ही क्वेश्चन आए थे, थैंक यू राज बेटा। देखो मेहनत करते हैं आपके लिए भाई, और आ रहा है तो ये अच्छी बात है, ऊपर वाला साथ है अपने भी, मेरे भी और आपके भी, है कि नहीं। मुझे खुशी बस यही हो जाती है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई आपके लिए, आपकी दुआएं कबूल हो गई, है कि नहीं। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, ये भी मैंने 1-2 दिन पहले ही कराया है। क्वेश्चन ये है 107वीं, कई बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को मैं, जो 107 साइंस कांग्रेस है उसकी थीम क्या थी, ये अभी हुई है आपकी 2020 में, 2020 में, एवरी ईयर होती है, 1914 में पहली बार हुई थी, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुई थी, बेंगलोर में हुई थी। 106वीं जो हुई थी वो पंजाब में हुई थी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो इसकी थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, ये भी कल का क्वेश्चन है। फिर है ओल्डेस्ट, नहीं, फिर एक आया सांभर सॉल्ट लेक, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो राजस्थान में स्थित है, ये भी आपका कल का क्वेश्चन है। उसके बाद ओल्डेस्ट हिल रेंज बहुत बार कर चुके हैं आप लोग, जानते भी ऑलरेडी,
कौन सी है? अरावली रेंज। कौन सी वाली है? अरावली रेंज सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारी ही नहीं वर्ल्ड की। और इसको बेटा शेयर करो आप लोग ज्यादा से ज्यादा, है ना। हाँ, ये वाला बेंगलोर में हुआ था, बेंगलुरु। ये वाला कहाँ हुआ था? आपका 22 को है। ओके, बस बेटा यहाँ तो कोरोना आ गया, कोरोना वोरोना से बिल्कुल मत डरो, अब बस पढ़ाई में ध्यान दो, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, अपना सैनिटाइजर यूज करते रहो हाथों में, है ना। अच्छा वाला हो तो मुंह पे भी लगा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। हाँ, और बाकी मास्क वगैरह लगाओ। नेक्स्ट है, विच बैंक गेट नेशनलाइज इन 1949। ये भी कल का क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक था। तो भैया हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना की गई थी 1935 में, उसको नेशनलाइज किया गया, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 एक जनवरी को, ठीक है। उसके लिए एक एक्ट था, कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप। कहने का मतलब प्राइवेट से पब्लिक हो गया, पहले प्राइवेट हैंड में था ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 1949 में बना था, सॉरी 1935 में बना था, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। यंग हिल्टन कमेटी या हिल्टन यंग भी लिखी मिल जाती है, उसकी सिफारिश पर, ठीक है। तो इसका क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद आता, हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2019। ये भी कल का क्वेश्चन है। देखो नोबेल प्राइज से सब आ रहा है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बन ही रहा है। तो भाई 2019 की जो लिस्ट है वो ये है, तीन लोगों को दिया गया ज्वाइंटली कंबाइंडली, जिम पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर केवलोज। तो इन तीनों को मिला। मेरा कल एग्जाम है, आपका एग्जाम है बेटा, कल क्वेश्चन जरूर भेजना। आपके लिए ऑल द बेस्ट तो है ही है, है ना। हाँ, आपके लिए ऑल द बेस्ट तो है ही है। सैनिटाइजर और मास्क शॉर्ट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हैंकी बांध लेना, हैंकी बांध लेना। हाथ में स्प्रिट भी यूज कर सकते हो आप लोग, एल्कोहल यूज कर सकते हो हल्की सी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हाथों को साफ सुथरा रखो, हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी के द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म इकाइयों के विकास से संबंधित कौन सी योजना है? तो ये भैया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, है ना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उसके बाद भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भैया? 1950 में थे, नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम लिखा हुआ है? सुकुमार सेन। अगर अभी आते हैं एट प्रेजेंट, 23वें नंबर के हैं अभी एट प्रेजेंट पूछा जाता है, तो उनका नाम क्या है? अभी है सुनील कुमार, नहीं सुनील अरोरा। क्या नाम है? सुनील अरोरा। ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुनील अरोरा। और इसका आर्टिकल भी बहुत आता है, हो सकता है आगे वाली शिफ्ट में आर्टिकल पूछ लिया जाए इलेक्शन कमीशन का। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसी के थ्रू होता है, तो जो आपका अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल नंबर 324 है, आर्टिकल नंबर 324 है, किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग का। फिर लिखा है ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का भाई फॉर्मूला क्या है? तो ब्यूटेन का बेटा फॉर्मूला जो दिख रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला C4H10। ये आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन है, सुकुमार सेन वाला भी आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आज के बेटा है ना। हाँ, आज का क्वेश्चन है ये, करंट में सुनील अरोरा जी बिल्कुल। और ये जो C4H10 है ये भी आज का क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट का। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर अलाहाबाद ट्रीटी वॉज साइंड। एक बच्चे ने तो ये क्वेश्चन भेजा था, एक बच्चा बोल रहा था कि सर बक्सर का युद्ध आया था, एक बच्चे ने कहा प्लासी का आया था, हो सकता है दोनों ही आ गए अलग अलग शिफ्ट में। तो देखो इलाहाबाद की जो संधि है भाई, अगर ईयर पूछा गया है तो 1765 में हुई है, अगस्त मंथ में। कब हुई है? अगस्त मंथ में हुई है। अब लिखा हुआ है किस किस के बीच, तो लिखा है मुगल इम्परर शाह आलम सेकंड, ध्यान में रखना, फर्स्ट नहीं, एंड रॉबर्ट क्लाइव एज अ रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन इसमें एक बंदा और था, शाह आलम सेकंड भी था और अवध का नवाब भी था, नवाब ऑफ अवध। अवध की स्पेलिंग OUDH भी लिखी मिल जाती है, अवध मतलब लखनऊ। तो अवध का जो नवाब था उसका नाम मैं लिख देता हूं, उसका नाम था सुजाउद्दौला, उसके साथ भी हुई थी। अब ऑप्शन में आप लोग देख लेना क्या दे रखा था, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउद्दौला, ठीक है ना। सुजाउद्दौला वॉज द नवाब ऑफ अवध। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, ठीक है। फिर लिख रहा है 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद में ये हुआ था, और अंग्रेजों की तरफ से जो बंदा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो था रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। इससे बहुत सारे इंडिया के अधिकार ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए थे, जैसे बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार उनके हाथ में आ गया था, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना ले लिया गया था, ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ये भी आज का क्वेश्चन है, वो क्या है?
किस चीज का? तो आईसी है, आईसी चिप जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं उसमें यूज होती है। अब इसी तरह से शायद से क्वेश्चन रहा होगा, मैं काम और कर लेता हूँ यहीं पर, मैं एक चीज ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आया हो, वैसे बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने बोला है कि सर क्वेश्चन तो आया था। तो देखो मैं दो चीजें बता देता हूँ, नहीं आया तो हो सकता आगे आ जाए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, 1757 में कौन सा हुआ था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था बेटा, प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध है वो आता है किस किस के बीच में हुआ, इस बार बक्सर का भी आ गया है, ये भी आ गया है। तो प्लासी में एक तरफ ब्रिटिश हैं, और भाई जो ब्रिटिश की तरफ से जो बंदा है वो कौन है, वही है रॉबर्ट क्लाइव, जो अलाहाबाद की संधि पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है, रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, इसके बाद सामने कौन था, तो वो था सिराजुद्दौला, उसके अपने कई साथियों ने उसके साथ में चीट किया था, सिराज उद दौला, कंफ्यूज मत हो जाना सुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में। अगर सिराज है तो बंगाल है, और अगर सुजाउद्दौला है तो फिर वो हो जाएगा आपका अवध, ठीक है। किसके फेवर में रहा है, ब्रिटिशर्स के फेवर में रहा, तो ये है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में, जो मैंने अभी 1764 लिखा वो आपका था बैटल ऑफ बक्सर। क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। अब भाई जो बैटल ऑफ बक्सर है, क्वेश्चन आता है वो किसके बीच में होता है, तो जो बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ, इसी के बाद आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें कौन कौन है तो वो भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। उसमें एक तरफ तो ब्रिटिश है, एक तरफ तो कौन है, ब्रिटिश है। ब्रिटिश की तरफ से जो बंदा है उसका नाम है कैप्टन मुनरो, जिसने पार्टिसिपेट किया, रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध में नहीं किया, वो संधि पे सिग्नेचर करने आता है बाद में। दूसरा जो था सामने वो कौन है, तो तीन लोगों की ज्वाइंट आर्मी, एक तो मीर कासिम था, जो मीर कासिम है, MIR मीर भी लिखी मिल सकती है, या MWR, मीर कासिम बंगाल का एक्स नवाब था, मीर कासिम बंगाल का एक्स नवाब था, मतलब पहले नवाब रह चुका था 60 से 63 के बीच में। दूसरा जो बंदा था वो था शाहआलम सेकंड, जो भी ऊपर लिखा हुआ था, शाहआलम सेकंड मुगल किंग है, ठीक है ना, शाहआलम सेकंड कौन था, मुगल किंग था। और भाई जो तीसरा है उसका भी हम नाम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, उस बंदे का नाम था शाहआलम सेकंड के अलावा, वो वही था जो अभी मैंने बात की थी, सुजाउद्दौला। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। तो जो लिखा मैंने बेटा वो ध्यान में रखना, कैसे क्वेश्चन आया वो आप दिमाग में रखना, हो सकता है आगे क्वेश्चन बन जाए। और भाई इसको आप लोग शेयर करो, सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां का नाती था, बिल्कुल सही है प्रियंका बेटा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट्सएप की, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ करके आया कि व्हाट्सएप की क्या स्थापना कब की गई थी, स्थापना ओके, मतलब व्हाट्सएप कब इंट्रोड्यूस हुआ, इन्वेंशन कब हुआ, ऐसा पूछा गया है क्या। अच्छा नेक्स्ट आता है कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, जो आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं, वो क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप की जो तरंगे होती हैं आपकी वो कितने प्रकार की होती हैं, सिस्मिक जो वेव्स होती हैं कितने प्रकार की होती हैं बेटा, तो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई वो जो है वो आपके कौन कौन है, तो वो दो प्रकार है आपका, एक बॉडी वेव है और एक सरफेस वेव है ना, धरातल वाला और एक बॉडी वेव। नेक्स्ट है छठा शेड्यूल। अब कल एक बच्चे ने क्वेश्चन, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन भेज दिया सेकंड शिफ्ट में, वैसे ये क्वेश्चन दो दिन पहले भी आया, मुझे ये नहीं पता वो दो दिन पहले वाले ने भेज दिया या इसने भेज दिया। तो भाई जो छठी शेड्यूल होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होती है, प्रशासन के बारे में होती है, चार राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, उसके आदिवासी क्षेत्रों का, आर्टिकल 244 के अकॉर्डिंग भी काम उसमें होता है, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, जनरली लोग जो जानते हैं वो कौन है, जनरली लोग ये जानते हैं कि वो है आपका जो हो गया गढ़सोप्पा, या महात्मा गांधी सागर भी उसका नाम है, लेकिन एक्चुअली कुंचिकल नाम का है, ये भी कर्नाटक में है, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो कुंचिकल अगर ऑप्शन में है तो ये आप टिक कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा और क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा एक दो जगह वाटरफॉल में एक नाम और आता है, वजराई करके एक नाम आता है उड़ीसा में, एक आता है आपका बारी पानी उड़ीसा में, ये नाम एक आता है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे लिखा हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने आपको इनका एक और बताया था एजुकेशन डे,
ये 2-3 दिन पहले ही हमने एग्जाम क्लास में किया था, एजुकेशन डे शिक्षा दिवस बेटा हमने पढ़ा था ना शिक्षा दिवस। और भाई जो शिक्षा दिवस है वो आपका 11 नवंबर बताया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी में मैंने डिफाइन किया था पहले कौन थे ये। 2018 का जो विराट कोहली है उसके बारे में पूछा गया, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार का बेन स्टोक है, इस बार का कौन है बेन स्टोक है, 2019 वाला 18 वाला आपका कौन है विराट कोहली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि स्मृति मंधावा, क्या लिखा हुआ है स्मृति मंधावा किससे रिलेटेड है। स्मृति मंधावा जो है वो है भाई क्रिकेट से रिलेटेड ही है, और ये भी हमने कराया किसी न किसी क्लास में। राष्ट्रीय पिता या राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है, गांधी जी। अगर इंडिया के पूछे गए गांधी जी, अगर आपका पूछा जाता है पाकिस्तान का तो वही है जिन्ना, अगर आपका पूछा जाता है कहाँ का बांग्लादेश का तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनका अभी बर्थडे शायद कल या परसों ही निकला है ना, शेख मुजीबुर रहमान। और अगर पूछा जाता है साउथ अफ्रीका तो फिर आ जाता है आपका कौन आ जाता है, उसके बाद में आता है नेल्सन मंडेला, कौन आते हैं नेल्सन मंडेला। ठीक, अच्छा इसके बाद फिर नेक्स्ट है भाई कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद। ये रामकृष्ण मिशन मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ भी है ना। हाँ, रामकृष्ण मिशन जो भाई हमने वो पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिख रहा है भाई, नेक्स्ट अपना है यहां पर, यस नेक्स्ट क्या है कि छपाक, अभी अभी नई मूवी आई है जिसमें काम किया है किसने, दीपिका पादुकोण ने, उसके डायरेक्टर पूछा गया मेघना गुलजार, है ना, मेघना गुलजार। ठीक, अच्छा इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो लिखा हुआ है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सी सॉल्ट। सी सॉल्ट है मतलब जो नमक है उसका आपका क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड है, NaCl होता है, क्या होता है NaCl होता है। चलिए अब इसके बाद समझ आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में क्या है। अच्छा भाई और क्या कह रहे हो आप लोग, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं बेस्ट हूँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है बेटा, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है। लेकिन आज मुझे बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, कल 1500 बच्चे थे लाइव, जिनका पेपर होता जा रहा है वो हटते जा रहे हैं, वो भी तो देखो आगे एग्जाम में उनके लिए भी कुछ ना कुछ बनेगा, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता और एग्जाम अगर देते रहते हो तो इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो, ये क्या है भाई, स्पेनिश चित्रकार है, ठीक है ना, पिकासो बड़ा फेमस चित्रकार है, पेंटर। When was the first winter Olympic? आज की मॉर्निंग में आया था ये क्वेश्चन, तो 1924 में हुए थे। ये मैंने कल शाम 7 बजे वाली क्लास में कुछ ओलंपिक का पढ़ाया था, वो एक अलग बात है कि कल हमने ये नहीं पढ़ा था 1924 वाला, ये पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, 2018 में आपके कहां पर होंगे, साउथ कोरिया में। 22 का पूछा जा सकता है कहां पर होंगे, बीजिंग में, मतलब चाइना में होने वाला है नेक्स्ट आपका। ठीक, तो पहला हुआ था फ्रांस में, दूसरा हुआ दक्षिण कोरिया में, सॉरी 18 वाला हुआ दक्षिण कोरिया में, और 22 वाला बेटा आपका कहां पर है, बीजिंग में। ठीक, अच्छा इसमें एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ था क्या, नहीं और ऐसा कुछ नहीं था। और अगर इसका नंबर आता है ना तो ये वाला आपका 24वां होगा, है ना, 24th नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन कहता है, लिखा हू अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू चेस। अब यहां पर इंडिया के चेस के जो प्लेयर हैं वो लिख दिए गए हैं, लेकिन किसी बच्चे ने कहा था कि सर चाइना वाला आया था, उसमें 3-4 नाम दे रखे थे, एक उसमें से कोई चाइना की थी, उसके बारे में पूछा गया था कि वो है कि नहीं है, है ना, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से डिंग लेरेन करके उस बच्चे ने नाम दिया है। वो चेस की प्लेयर ना होके वो किसकी है, टेनिस की है, मतलब उसमें चेस प्लेयर नहीं है शायद, ऐसा था कुछ है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना कौन सा वाला क्वेश्चन था, अपने इंडिया के चेस प्लेयर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर लिखा है हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम हेल्ड एवरी ईयर, ये मैंने आपको परसों 8 बजे वाली क्लास में पूरी लिस्ट तैयार कराई थी इसकी, परसों ही कराया था, आज आ गया एग्जाम में, है ना, तो ये आपका। और अगर कहो तो मैं क्लेम कर दूंगा इसका, मैं अपनी क्लास का लिंक आप ले लो, उसमें एक बार चेक कर सकते हो कि क्या सही मायने में हमने पढ़ा कि फर्जी बात कर रहा है। मैं फर्जी बात नहीं करता, जो एग्जैक्टली पढ़ाया जाता वही मैं बोलता हूँ, वरना मैं नहीं बोलता भाई। तो ये हमने परसों पढ़ा था, और इसमें क्या है हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम हेल्ड एवरी ईयर, तो बेटा 4 होते हैं, वो मेरी क्लास बीच में बंद भी हो गई थी, दोबारा फिर स्टार्ट की थी मैं उस वाली क्लास में कराया था, तो हर साल 4 होते हैं, और 4 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद में US ओपन। ठीक है, तो ये आपके कितने होते हैं भाई, हाँ ये आपके 4 होते हैं एक साल में, हर साल 4 होता है। नेक्स्ट आता है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, पाकिस्तान में, कहाँ पर है, पाकिस्तान में लाहौर में, है ना,
दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। एक्चुअली ऐसे भी देखो इंडिया और पाकिस्तान हॉकी में टॉप पे रहे, वो एक अलग चीज़ है, आजकल डाउन चल रहे हैं, लेकिन एक समय हुआ करता था ओलंपिक में हम दोनों से आगे कोई नहीं हुआ करता था। एक मूवी आई थी, शायद आपने देखी हो, गोल्ड, अक्षय कुमार वाली जो गोल्ड मूवी आई थी, उसमें हम लोग पहले एक ही हुआ करते थे आज़ादी से पहले, बाद में खैर हालत कुछ और हो गई। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो भाई टोमेटो में जो होता है सिट्रिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड भी होता है थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन मेन जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। मैं भी देख रहा था, किसी बंदे ने बताया था कि ऑक्जेलिक एसिड होता है, नहीं वो नहीं होता, कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड होता है। ये आज वाला क्वेश्चन है। इसके बाद अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय किसने बिताया, ये इस बच्चे ने गलत यहाँ पर लिख दिया है, मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ, टाइप ये गलत हो गया हमसे। यहाँ पर क्रिस्टिना कोच, और ये मैंने आपको बताया है दो तीन चार पाँच दिन पहले ही, हम लोगों ने क्लास में किया था, वन लाइनर मैंने कराया था, वन लाइनर वाले में कराया था, ठीक है ना, क्रिस्टिना कोच, अभी रिसेंटली खबर हुई है ये, ठीक है, क्रिस्टिना कोच। ये है कौन, ये आपकी है विमेन, है महिलाएं है ना, विमेन पूछा गया है इसमें, महिला पूछा गया है, पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, इसीलिए बड़ा हाईलाइटेड हुआ है इसमें। और शेयर करो यार लोग, तुम लोग 600 बच्चे अभी तक पहुंच पाए है ना, पता लगा मैंने कसम खाली तब तक नहीं कराऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आगे हम बढ़ेंगे इसके बाद में भी, लेकिन आप लोग इसको और शेयर करो, आप लोग बेटा और शेयर करो, बिल्कुल मैं तो इसको खैर बढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये 328 दिन इनका रिकॉर्ड था, कितना था, 328 दिन का इनका रिकॉर्ड था, इनका समय अभी पूछा गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट आप बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑक्जिक होगा तो क्वेश्चन फिर कोई और आया होगा, ऑक्जिक अगर आप बोल रहे हो तो वो क्वेश्चन कोई और होगा टोमेटो में, टोमेटो का तो मैंने यार अभी चेक किया था, खट्टी चीज़ों में मोस्टली वही होता है, अब हो सकता है किसी और साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर ऑक्जिक है तो आप वो देख लेना, है ना, अगर ऑक्जिक दे रखा है तो आप लोग वो देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है बेटा, ऑक्जिक इज द राइट आंसर, ओके रोहित शर्मा, ठीक है बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ऑक्जेलिक तो ठीक है, मैंने वैसे सिट्रिक भी देखा है इसमें, चलो एक काम करते हैं, मैं ऑक्जेलिक भी लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन सा लिख देते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक भी लिख देते हैं, ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं रिव्यू के लिए रख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बेटा रिव्यू के लिए रख लेते हैं, नहीं बेटा ये 18 मार्च के ही थोड़े थे, इतने ही थोड़े थे, क्या बोल रहे हो, जवाब तो दे दो हर्षित, क्या जवाब दूं भाई ये तो बताओ, हाँ सेकंड शिफ्ट का थोड़ा हार्ड था, ओके ठीक है ठीक है ठीक है भाई, अमृत मान लिया, ऑक्जेलिक ही है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, सिट्रिक एक काम करते हैं हटा देते हैं हम, ठीक है, एक्चुअली क्या है खट्टी चीजों में जनरली पाया जाता है, तो मेरे दिमाग में वही बैठ गया, आपका ऑक्जेलिक मान लेता है, ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, ऑक्जेलिक 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 बोल दिया, चलिए लेमन में होता है सिट्रिक, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपना ये मैंने अभी आपको समझा दिया, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो बंगाल का नवाब था, और बंगाल के नवाब का नाम मैंने पीछे लिखा था, 23 जून 1757 को हुआ था, थोड़ा बहुत फ्रांसीसी लोगों का हेल्प मिला था इसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ये मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद आता है भूकंप को कितने जोन में बांटा गया है, तो भाई आपका भूकंप जो उसमें कितने जोन में बांटा गया, भूकंप को 4 जोन में बांटा गया, जेड मतलब से 2 से लेकर, यहाँ पे लिख देते हैं जेड 2 से लेकर जेड 5 के बीच में, कितने हैं 4, कितनी है 4 भूकंप जोन है बेटा, कितनी जोन है 4 भूकंप जोन है। अंतरिक्ष में ग्लोरी समय बिताया 424 दिन, इसमें वुमेन पूछा गया है, वुमेन इसमें जो है ना वुमेन पूछा गया है, अंतरिक्ष वाला देखो ग्लोरी वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, अब एक काम करता हूँ मैं ग्लोरी वाला भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन था वो दूसरा था, देखो ये लिखा, आपने जो क्लोरी बोला है क्लोरी ये लिखा हुआ है, वलेरिया क्लोरी का इसको इस करके नाम है उसका, जी से या वी से, तो वो हमने यहाँ पर लिखा तो है, लेकिन वुमेन पूछा है तो हमने वुमेन की बात की है यहाँ पर, ठीक है। अंतरिक्ष में ग्लोरी ने समय बताया 424 कुछ दिन, तो मैंने ये आपको बताया, आपको दोनों चीजें बता दी हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है रोहतांग दर्रा, ये भी हमने कल वाली क्लास में किया था हिमाचल प्रदेश में, और टनल का नाम मैंने बताया था अटल टनल, उसका नाम चेक कर दिया चेंज कर दिया गया है ना हिमाचल प्रदेश में। फिर लिखा है कि व्हाट्सअप स्टार्टेड इन विच सेंचुरी, अगर पूछा गया है तो भाई 21वीं अगर सेंचुरी पूछा गया है, और अगर ईयर आता है तो 2009 होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसका 2000 कितना होना चाहिए 9 इसका होना चाहिए, और मान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इनके नाम पूछे गए किन्होंने किया था, तो उसमें जो नाम आता है एक बंदे का नाम आता है ब्रायन एटोन,
है ना, फेसबुक से निकाल लेते, आजकल फेसबुक ने फिर से खरीद लिया इसको। ब्रायन और दूसरे बंदे का जो नाम है उसका भी हम लोग नाम लिख लेते हैं, उसका नाम है भाई जॉन या जो कुछ करके, JAH जो KOUN कौन, ये दो लोग हैं, इन्होंने इसको डेवलप किया था। 2007 में इन्होंने फेसबुक छोड़ दिया था, 2009 में आपका स्टार्ट हुआ। अगर ईयर आता है तो ये है, सेंचुरी आता है तो फिर आपका 21st century जो भी आया हो वो आप चेक कर लेना, ठीक है ना। ईयर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, फिर लिखा हाउ मेनी लोकसभा सीट इन राजस्थान, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था 25 सीटें। और नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कहता है फाइल खोलने के लिए डायलॉग बॉक्स या पेज खोलने हेतु कंट्रोल प्लस ओ, चेक कर लेना क्वेश्चन आया था कि नहीं था, ठीक है ना, तो कंट्रोल प्लस ओ से होता है। फिर पूछा गया कि भारत के 13वें नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो भाई 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, प्रणब मुखर्जी है। कौन है, प्रणब मुखर्जी है 13वें प्रेसिडेंट जो हमारे भारत के रहे हैं। ये वाले कौन से, 14वें हैं, ये वाले कौन से हैं, 14वें हैं। वैसे अगर पूछा जाता है इलेक्शन, तो भाई इलेक्शन आज तक हो चुका है 15 बार, इलेक्शन आज तक कितनी बार हो चुका है, 15 बार, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट पहले वाले थे राजेंद्र प्रसाद जी वो 2 बार रहे थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं एकमात्र वो है जो कितनी बार रहे थे, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार रहे, 2 बार, ठीक है बेटा। तो ये तो है वो क्वेश्चन जो मेरे पास कुछ आपके प्रिंट रहे हैं जो स्टार्टिंग में कुछ देर पहले मिल चुके थे, तो हम एक काम करते हैं और भी 2-4 क्वेश्चन अभी बच्चों ने कुछ भेजे हैं, मैं उनको भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए और क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ और जो क्वेश्चन है इसमें एक दो बच्चों ने भेजा है कि इलाहाबाद की संधि हो गया, प्लासी युद्ध भी हो गया, उसके बाद ब्यूटेन वाला भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद फिर आपका आता है, हाँ एक क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट का है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा की त्रिज्या पूछ ली गई है, कोई गया था आप में से नापने के लिए, कोई गया था तो बता दो भाई व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, चंद्रमा की त्रिज्या ये पूछा गया है, चंद्रमा की त्रिज्या मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपका फैक्ट पूछ लिया। इस तरह के फैक्ट में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, अगर याद आ जाता है तो कर देना चाहिए। तो ये होता है बेटा 1737.1, कितना होता है 1737.1 किलोमीटर, इतना होता है, ठीक है बेटा। अच्छा एंग्लो मैसूर वॉर आया था, ओके ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसमें पूछा गया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, क्या पूछा गया था, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये आपका जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, कौन सा वाला, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसमें हुआ था, और ये कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसमें किया गया था। और अगर ईयर इसका पूछा गया तो मैं ईयर भी बता देता हूँ, युद्ध जो है उसका बैटल जो है वो हुआ था 1790 से 1790 में, और ट्रीटी का ईयर था 1792, ठीक है ना, 1792। इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना था, थर्ड बैटल था ना, तो थर्ड बैटल का मैंने ईयर आपको यहाँ पर बता दिया। हेलो भाई हेलो, और आप लोग और शेयर करो बेटा इसको। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है भाई, ATM क्या लिखा है, अर्थ के कितनी होती हैं, क्या मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आया बेटा क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाँ उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ग्रीन, हाँ एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट प्लेड ऑन ग्रीन कोर्ट, तो वो टेनिस होता है, जब मैं आपको विंबलडन वगैरह समझा रहा था तो उस टाइम मैंने हार्ड कोर्ट और ग्रीन कोर्ट सब बताया था 3 दिन पहले वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में 8 बजे वाली में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए उसी वाले पॉइंट से, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका, हाँ एक क्वेश्चन है 5-year plan का, एक क्वेश्चन है 2nd 5-year plan जो है वो क्वेश्चन एक आपका आया है, कौन सा वाला, 2nd 5-year plan पूछा गया है। तो भाई 2nd 5-year plan की अगर बात आए, 5-year plan का क्वेश्चन बन रहा है, कल वाले एग्जाम में 12वां आया था, इस बार आ गया 2nd, 1956 से लेके 1961 के बीच में रहा है। अगर फर्स्ट आता है तो फर्स्ट का था आपका 1951 से लेकर 1956, ठीक है। दूसरा कब तक लिखा है हमने, दूसरा हमने लिखा है 56 से लेके 61 के बीच में, 1961 के बीच में। अच्छा इसमें
अगर आता है पहले वाले का प्लान जो है उसका मॉडल क्या था, तो पहले वाले का जो मॉडल था वो था हेराल्ड डॉमर, और दूसरे वाले का अगर मॉडल पूछा जाता है तो भाई उसका था पीसी महालनुबिस, है ना, महालनुबिस मॉडल था। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक तो मैंने आपको बता दिया, अर्थक्वेक वाला तो मैंने आपको बता दिया, भूकंप कितना है 4 वो मैंने आपको बता ही दिया, अभी पीछे करा दिया था। अच्छा अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बच्चे ने भेजा तो वो देख लेते हैं, वो कौन सा है आपका। हाँ एक क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट है, एक क्वेश्चन था कि जो प्रेसिडेंट है अगर उनकी डेथ हो जाए अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले, डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, कुछ भी हो जाए, तो प्रेसिडेंट की एब्सेंस में जो काम करेगा वो कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो काम कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो कौन होंगे, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा पहली बार देखने को मिला, 1969 में डेथ हो गया जाकिर हुसैन साहब का, प्रेसिडेंट थे पहले, प्रेसिडेंट जिनकी मृत्यु हुई थी अपने कार्यकाल के दौरान, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे ये, 1921 में बनाई गई थी। और वाइस प्रेसिडेंट जो आपके थे उस टाइम पर थे वीवी गिरी, ये आपके क्या बन गए, ये आपके फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन्होंने दे दिया रेजिग्नेशन वीवी गिरी साहब ने, तो सामने कौन आ गए, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। आज तक एक ही जज है जो आपके क्या बने हैं, जो आपके बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक प्रेसिडेंट तो है जिनकी डेथ हुई है जाकिर हुसैन साहब, दूसरे ऐसे जो प्रेसिडेंट थे भाई उनका नाम भी मैं लिख देता हूं, उनका नाम था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था, फखरुद्दीन अली अहमद। उनका भी डेथ हो गया, जब उनका डेथ हो गया तो उनके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या था उस टाइम पर थे, बीडी जत्ती। क्या नाम था, बीडी जत्ती उनका नाम था, तो वो भी आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, बीडी जत्ती। ठीक है, तो ये अभी तक 3 ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने काम किया है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिनमें पहला नाम आता है वीवी गिरी, ठीक है, दूसरा नाम आता है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, और तीसरा जो नाम आता है वो नाम आता है बीडी जत्ती का। याद रखना, आगे ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एटीएम तो कल आ गया था भाई, एटीएम वाला क्वेश्चन तो बेटा कल आ गया था, है ना। एक दो क्वेश्चन और है जो बच्चों ने भेजा हुआ है, उसको भी हम जल्दी से ऐड करके काम कर लेते हैं क्या है, बाकी उसके बाद फिर सर की क्लास है एक। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और शाम को 6:30 बजे एनालिसिस लूंगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने भेज दिए सारे बच्चों ने तो जरूर, एटीएम का फुल फॉर्म तो कल बता दिया था बेटा, ये तो कल वाले एग्जाम में शायद से आया था, आज फिर से आ गया क्या, आर्टिकल 343 भी आया है, आर्टिकल 343 पढ़ाया था मैंने आपको, आर्टिकल अगर 343 आया है भाई तो वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है। कौन सा वाला है, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है, राजभाषा वाला है, वो तो मैंने बताया था आपको, पार्ट 17 पढ़ाया था, शेड्यूल नंबर 8 पढ़ाई थी, ये सब पढ़ा रखा है। अच्छा इसके बाद फिर एक है भाई, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और होगा शायद से, देख लेते हैं। हाँ एक और है कि DSC लिटरेचर प्राइज अवार्ड, DSC लिटरेचर अवार्ड किसको इस बार मिला, अमिता बागची को मिला, DSC लिटरेचर अवार्ड ये किसको मिला, अमिता बागची। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने भेजा कि सर ये भी आया था शायद सेकंड वाली शिफ्ट में आया है मेरे ख्याल से। उसके बाद और देखते हैं और कोई क्वेश्चन अगर बचा है तो। हाँ एक क्वेश्चन था, मैं 3-4 दिन पहले की किसी क्लास में बताया था कि विवेकानंद जी के नाम पर एक म्यूजियम बना हुआ है, मैंने बोला था कि भैया विवेकानंद जी की जो ज्यादातर चीजें मिलती हैं वो आपकी मिलती हैं कहाँ पर, वो मिलती हैं कलकत्ता में, लेकिन मैंने आपको वहां पर उस क्लास में ये बताया था सर, 5-6 क्लास पहले बताया था कि अल्मोड़ा से कन्याकुमारी तक पैदल पैदल यात्रा की थी विवेकानंद जी ने, तो वहीं पर म्यूजियम बनाया गया है विवेकानंद जी के नाम पर, वो क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस तरह से है, वो क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बहुत बच्चे ने किसी ने भेजा है ज्यादा जानकारी, तो मेरे ख्याल से वो था विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एग्जैक्टली विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आप लोग पुरानी क्लास देखोगे ना आपको सब पता लग जाएगा कि उसमें ये कराया था कि नहीं कराया, कभी आप लोग सोच रहे होगी हाँ सब हमारी में सी क्लास में से आ गया, फर्जी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोलते, तो ये भाई कहां पर, कन्याकुमारी में। अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन है कि इस बार पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, है ना, तो भाई पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब देख लेते हैं, ये भी हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने नाम भी लिखाए थे 1:30 बजे वाली क्लास में। बात यह है कि तुमने कौन कौन सी क्लास ली है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है,
पद्म विभूषण, दूसरा नंबर इसका बाद होता है पद्म भूषण, है ना, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है वो होता है पद्मश्री। तो ये तीनों पद्म अवार्ड कहे जाते हैं पद्मश्री। अब मैं बात करूं कि पद्म विभूषण की 7 लोगों को मिला, पद्म भूषण 16 लोगों को मिला, और अगर आता है पद्मश्री 118 लोगों को मिला, है ना। टोटल मार के 141 लोग हैं जिनको ये मिला है, 7, 6, 13 और 8, हाँ 21, बिल्कुल ठीक है, इतना ही होना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, 2019 का विश्व कप का उपविजेता, जिस बार का 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला, तो उसका आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, उसका रनर अप पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रनर अप पूछा गया, आपका उपविजेता पूछा गया है, तो नाम आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड, जिसने हमें हरा दिया था, है ना, जिसने हमें किसमें हरा दिया था, सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड था विजेता। अगर विजेता आता है, अगर विनर पूछा जाता है, तो आपका वो कौन था, वो था इंग्लैंड, ठीक। हाँ, इसके बाद बस इतना ही है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि भाई हिंदी और इंग्लिश वाले आप लोग साहित्य अकेडमी अवार्ड याद कर लेना, तो इंग्लिश वाला पहले आ चुका है, शशि थरूर साहब, और इस बार हिंदी का पूछ लिया गया कि इस बार हिंदी सब्जेक्ट के लिए किसको मिला, तो नंद किशोर आचार्य जी हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इस बार का, साहित्य अकादमी, जो सम्मान है आपका साहित्य अकेडमी सम्मान या अवार्ड, वो किसको मिला, नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर, हिंदी वाले तो हिंदी में नाम लिख लेते हैं, आचार्य है, है ना। और इनकी अगर बुक किसी को याद है तो बताओ कौन सी बुक थी इनकी, इनकी बुक बड़ी खतरनाक वाली थी, ये लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे पास अभी तक है, बाकी शाम में बात करेंगे। छीलते हुए अपने को, कितनी बढ़िया बुक है ना, छीलते हुए अपने को, मतलब दिल तोड़ने वाली बात कर दी, ऐसा समझ लो, छीलते हुए अपने को, ठीक, ये था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपने भेजा है, तो वो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, इस रिवर का चाइना में नाम क्या है, तो बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर का जो चाइना में नाम है, चाइना मतलब तिब्बत की बात हो रही है एक तरह से, वो आपका है कौन सा, सांगपो, टी साइलेंट रहता है, सांगपो उसका नाम है। अगर बांग्लादेश पूछ लेता है, बांग्लादेश में, है ना, तो बांग्लादेश में हमने पहले बात की थी, जमुना नाम है, क्या नाम है, जमुना उसका नाम है, ठीक है भाई। तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन थे बेटा जी, हाँ, थैंक यू सो मच, और आप लोग शाम को फिर से मिलना 6:30 बजे भी, और उसके बाद में हम लोग रात को 8 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पे मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जिन बच्चों का एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू टू ऑल।